बीजेपी की सीनियर नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपनी ही पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की मदद लेती थी। सुमित्रा महाजन ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का खुलासा किया और कहा कि जब सवाल इंदौर का हो तो सब कुछ करना पड़ता है। कई मर्तबा आम लोगों को लगता है कि दोनों ही पार्टियों के नेता एक से ही हैं। इसका खुलासा खुद बीजेपी की सीनियर लीडर सुमित्रा महाजन ने किया। सुमित्रा महाजन ने राज्यपाल लालजी टंडन की मौजूदगी में एक राज खोला और कहा, मेरी सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोल सकती थी। कोई बात उठाने के लिए मैं जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट को धीरे से कहती थी कि तुम करो कुछ। महाजन ने कहा कि जीतू पटवारी में मेरा शिष्य बनने के सभी गुण हैं। जीतू सही में शिक्षा मंत्री के रूप में बात सही पकड़ी, सच में मैंने तारीफ के लिए नहीं। अभी रास्ते में आते आते कोई बोल रहे थे कि ताई ये जीतू आपका शिष्य है, मैंने कहा शिष्य है नहीं, वो अपने व्यवहार से जरूर ये कल कहला सकता है कि हाँ ये लगता है ये ताई का शिष्य बनने लायक व्यवहार से। सुमित्रा महाजन के बारे में पटवारी ने कहा कि हम राजनेताओं से अपनी कुर्सी का मोह मुश्किल से छूटता है, लेकिन ताई इतनी सहज और सरल हैं कि उन्होंने इसे छोड़ने में मिनट भर का भी वक्त नहीं लगाया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि पार्टी का सवाल नहीं, जब शहर का विकास करने निकलते हैं तो सब एकजुट रहते हैं, यह इस शहर का स्वभाव है। संवाद का यह प्रयोग कर पटवारी ने बेहतर कार्य किया है। पटवारी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि राज्यपाल बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनसे पहली बार जब एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपके बारे में सुना है, मेरे दो बेटे हैं, एक उत्तर प्रदेश में मंत्री है और दूसरा यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री है, तभी से मैं उनकी सादगी का कायल हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।